हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू ऑल फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न ट्रेडिंग। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के बारे में। मैं सीरीज निकालने वाली हूँ, मैंने आप सभी को बताया था। प्रीवियस वीडियो में एक कैंडल की सीरीज निकल भी चुकी है, पार्ट वन, जिसमें आप सभी ने हैमर और हैंगिंग बैंड के बारे में सीखा। ये किस जगह अप्लाई हो सकता है, कैसे हम इसको अप्लाई करके ट्रेड विन कर सकते हैं, कहाँ पर ये वर्क करता है और कहाँ पर हमारी श्योरिटी होती है कि हैमर और हैंगिंग हमारा कहाँ पर वर्क करने वाला है, सारी चीज़ों को हमने कवर किया था। बहुत सारी जानकारी आप सभी को दी थी, अप्लाई करके भी दिखाया था। होप सो आप सभी को अच्छी भी लगी होगी वीडियो। एंड गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा पार्ट टू कैंडल स्टिक पैटर्न का, पार्ट टू ग्रेवस्टोन दोजी एंड ड्रैगन फ्लाई दोजी। ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको अपने मार्केट चार्ट में अप्लाई करके अपनी ट्रेड को श्योरिटी के साथ विन कर सकते हैं, कैसे अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, सारी चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं। ये पार्ट टू बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न का सीरीज है। ग्रेवस्टोन दोजी और ड्रैगन फ्लाई दोजी क्या होते हैं, आज के इस वीडियो के बाद आप सभी अच्छे से जान जाएंगे और मार्केट चार्ट पर इनको अप्लाई करके अपना प्रॉफिट बिगिन करेंगे। ओके, तो वीडियो शुरू करूँ से पहले आप सभी से कहना चाहती हूँ, अगर आप सभी ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ आप सभी को डेली कुछ ना कुछ फ्री श्योर शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिनकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है, जिनको फॉलो करके अप्लाई करके अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और जिनका लॉस हुआ पड़ा है वो लॉस कवर अप कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर आप सभी ने अभी तक क्यूटेक्स पर अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, क्यूटेक्स पर अकाउंट क्रिएट करके हमारे ग्रुप के सेशन को फॉलो करके आप अपना प्रॉफिट गेन कीजिए। एंड गाइज, वहाँ से आप हमारे VIP ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें और मोर ट्रेड्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिनको आप गेन करके अच्छा सा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ओके, तो गाइज वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से अगेन एक बात कहना चाहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइज, ये ग्रेवस्टोन दोजी और ड्रैगन फ्लाई दोजी क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे इनको हम सीख सकते हैं, आइए चलते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो गाइज, मैं आ चुकी हूँ यहाँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर क्यूटेक्स के लाइव अकाउंट पर, जिसमें आप सभी को 16,700 अबव का डॉलर का लाइव बैलेंस आप शो हो रहा है, आप सब देख पा रहे हैं। ओके, तो गाइज, आज की इस वीडियो में कैंडलस्टिक्स पैटर्न पार्ट टू इस सीरीज में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेवस्टोन दोजी एंड ड्रैगन फ्लाई दोजी के बारे में। ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, किस तरह से हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, इनके लुक्स लाइक्स कैसे होते हैं, सारी चीज़ों को हम कवर अप करने वाले हैं। तो फिलहाल आप सब मेरे देख रहे हैं, ये मेरी कुछ ट्रेडिंग हिस्ट्री है आज की। ओके, ट्रेडिंग हिस्ट्री ये मैंने आज ट्रेड की थी, अपना प्रॉफिट बुक किया था। ओके, तो गाइज अगर मैं फर्स्टली बात करूँ अपनी कैंडल स्टिक पैटर्न पार्ट टू इस सीरीज़ में ग्रेवस्टोन के बारे में, तो आप सब जानते हैं ग्रेव मतलब होता है कब्र, कब्र जो कि ज़मीन से कनेक्टेड रहती है। ओके, तो जब भी हमारे कैंडल स्टिक्स पैटर्न में ग्रेवस्टोन दोजी कुछ इस तरह बनता हुआ दिखाई देता है, आप सब देख पा रहे हैं, मतलब ये एज अ उल्टा टी शो होता है। ओके, मतलब इसमें एक लंबी सी शेडो होगी, एक पतला सा बॉडी पार्ट होगा, वो भी डाउन डायरेक्शन की ओर। ओके, एंड इसके जो डाउन की ओर जो पीक दे रखी होगी वो बहुत कम होगी, बहुत हाइट एज अ टी होगा, उल्टा टी बनता हुआ हमें दिखाई देगा, टी फॉर टॉय, टी साइज का बनता हुआ हमें दिखाई देगा। तो जब भी मार्केट में हमारा ग्रेवस्टोन दोजी बनता है तो वहाँ मार्केट हमारा अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाता है। ओके, नोट कर लीजिए, नोट डाउन प्लीज। एंड गाइज, अगर हम वुल सीधा टी के जैसा लगता है, तो टी फॉर टॉय वाला टी, टी के जैसा लगता है। ड्रैगन मतलब आप सब जानते हैं उड़ने वाला, जो कि आसमान से कनेक्टेड हो, फ्लाईज। ओके, ड्रैगन फ्लाई उड़ने वाला। ओके, तो ड्रैगन आप सबने देखा ही है। ओके, तो ड्रैगन फ्लाई जो कि आसमान से कनेक्टेड रहता है, एज इसमें ऊपर की ओर पीक दे रखी होती है, कैप दे रखी होती है, लंबा सा बॉडी पार्ट दिया होता है। जब भी हमारा मार्केट में इस तरह का ड्रैगन फ्लाई बनता है, तब हमारा मार्केट डाउनवर्ड टू अपवर्ड की हो जाता है। अगर ठीक है, अगर मैं इसको इसमें कैंडलस्टिक्स पैटर्न के इस चार्ट पर आप सभी को मैं ढूंढ ढूंढ कर दिखाऊं, तो गाइज USD पर कहीं मैं देख लेती हूँ, मुझे मिले तो। हाँ, मुझे मिल गए हैं, देखिए। ओके, ये आप सभी को कंटिन्यू, आप कहीं पर भी इनको देख सकते हैं, ये बनते रहते हैं। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ बनते हुए, तो ये रहे हमारे। ओके, ये रहा हमारा ग्रेवस्टोन दोजी। ग्रेव मतलब मैंने कहा कब्र, ज़मीन से कनेक्टेड, ये है डाउनवर्ड की ओर ये कनेक्टेड है। ओके, तो जब ये हमारा यहाँ पर ग्रेवस्टोन दोजी बना है, अगेन यहाँ पर हमें ग्रेवस्टोन दोजी उल्टा टी बनता हुआ दिखाई दिया है, यहाँ पर बना है, यहाँ मार्केट डाउन गया, हमारी डेड कैंडल दी, एंड यहाँ हमारा ग्रेवस्टोन दोजी बना, यहाँ यहाँ पर हमारा अगेन यहाँ से लंबा टाइम तक फ्लो लेते हुए डाउनवर्ड की ओर मार्केट गया पूरा। ओके, आप सब समझ पा रहे हैं। तो जब भी हमारा मार्केट में ये यहाँ पर ग्रेवस्टोन दोजी बनता है, तो वहाँ हमारे डेफिनेटली 110% चांसेस होते हैं हमारा मार्केट डाउनवर्ड जाएगा। ओके,
होप्स आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके एंड इसके अलावा अगर मैं ड्रैगन फ्लाई के बारे में बात करूँ तो मुझे कहीं यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई बनता हुआ दिख जाए तो ड्रैगन फ्लाई मतलब सीधा टी। ओके तो सीधा टी मुझे कहीं दिख जाए, ये रहा हमारा ड्रैगन फ्लाई। ओके ड्रैगन फ्लाई मैंने बोला, ड्रैगन फ्लाई उड़ने वाला आसमान से कनेक्टेड। यहाँ पर हमारा ड्रैगन फ्लाई बना है, यहाँ हमारा मार्केट अपॉर्ट की ओर गया। ओके हमारी ग्रीन कैंडल थी यहाँ पर, या यहाँ पर कहीं भी आप ट्रेड अपॉर्ट की ओर प्रेस करते हैं तो आपकी 110% ट्रेड विन होकर के आती है। ओके तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा, इजिली लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप सभी को इजिली समझ में आएगा। हमारा मार्केट जब भी हमारे ट्रेडिंग चार्ट पर इस मार्केट में कहीं पर भी अगर हमारा ग्रेवस्टोन दोजी बनता हुआ दिखाई देता है तो वहाँ मार्केट हमारा डेफिनेटली डाउनवर्ड की ओर जाने वाला है। एंड अगर हमारा मार्केट चार्ट में ड्रैगन फ्लाई मतलब यही सीधा टी बनता हुआ दिखाई देता है, वहाँ मार्केट हमारा डेफिनेटली अपॉर्ट की ओर जा रहा होता है, अपॉर्ट का ट्रेंड चल रहा होता है। ओके अगर यहाँ पर मैंने आप सभी को जहाँ पर दिखाया है तो वहाँ पर भी हम देख पा रहे हो तो हमारा जो ट्रेंड चल रहा था वो हमारा अपॉर्ट की ओर ही चल रहा था। ओके ये यहाँ पर भी हमारा अपॉर्ट की ओर चल रहा है। ओके एंड यहाँ पर भी हमारा पूरा ट्रेंड यहाँ तक अपॉर्ट की ओर ही चल रहा है। ओके अप ट्रेंड पर ही चल रहा है। ओके तो ड्रैगन फ्लाई हमेशा अपॉर्ट के ट्रेंड में बनता है एंड ग्रेवस्टोन दोजी हमारे डाउन ट्रेंड में बनता है। ओके तो होप्स आप सभी को अच्छी समझ में चीज आ रही होंगी। मुझे ऐसा कोई कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिल जाए जहाँ पर मुझे ये अभी फिलहाल यहाँ पर मुझे दिखा देखिए ये USD JPY चार्ट पर 82 प्रॉफिट रेट है। यहाँ पर ये मुझे ग्रेवस्टोन दोजी बनता हुआ दिखाई दिया है। ओके यहाँ मार्केट डाउनवर्ड गया है। ओके हैं देन यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा पूरा कंटिन्यू 2 मिनट तक मार्केट डाउनवर्ड गया है। ओके एंड गाइज अगर ये डाउन फ्लो क्यों रहेगा नेक्स्ट कैंडल में कंसिडर करा देंगे कि यहाँ से हमारा मार्केट अगेन फ्लो रहेगा या फिर ये इसी हमारे ग्रेवस्टोन दोजी के पैटर्न को फॉलो करते हुए डाउनवर्ड की हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये डाउनवर्ड की ओर इसको जाना चाहिए। फिलहाल मैं और कोई करेंसी ऐसी देख लेती हूँ जहाँ पर क्लियरली मुझे ड्रैगन फ्लाई दोजी या फिर हमारा ग्रेवस्टोन दोजी बनता हुआ नज़र आ रहा हो। इस पर यहाँ पर मुझे यही बनता हुआ अप्लाई दे रहा था। ओके अप्लाई हो रहा था एंड यहाँ पर मैं ट्रेड लेने वाली हूँ उसी हिसाब से। अगर हम बात करें तो यहाँ पर डाउनवर्ड की ओर मैं लूँगी। यहाँ पर मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी हैमर एंड हैंगिंग मैन के बारे में। ओके जिसमें मैंने बताया था कि अगर हमारा हैमर बनता है तो ग्रीन कलर का तो मार्केट डाउनवर्ड की ओर जाता है। तो आप उसको प्रीवियस वीडियो को जाकर के देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है कि ग्रीन हैमर बनने के बाद मार्केट हमेशा डाउनवर्ड जाता है। देखिए हमारी डाउनवर्ड की कैंडल बनी हुई है। ओके तो आप ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न शॉर्ट स्टिक्स के आप वैल्यू समझ रहे होंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ट्रेड प्रेस कर देती हूँ थोड़ा सा वेट करते हुए। ओके मुझे लगता है कि मुझे स्ट्रेट के अलावा थोड़ा सा वेट करना चाहिए एंड मैंने $2,000 इन्वेस्ट किए हुए हैं डाउनवर्ड की ओर। ओके एंड वेट करेंगे एंड मुझे कोई ऐसी करेंसी मिल जाए जिस पर मैं आप सभी को इस ड्रैगन फ्लाई एंड ग्रेवस्टोन दोजी के बारे में समझा सकूँ। यहाँ पर मुझे देखिए ये रहा मुझे यहाँ पर अपना ये ड्रैगन फ्लाई दोजी बनता हुआ नज़र आया हुआ है। फिलहाल मैं स्कैंडल की बात कर लूँ तो इसका रिजल्ट मुझे लगता है कि ये दोनों ट्रेड हमारी लॉसेस जाएंगी। ओके फिलहाल बहुत क्लोज पॉइंट पर है, 30 सेकेंड से हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लोज पॉइंट पर है। इस यहाँ पर अगर हमारा ये ग्रेवस्टोन दोजी बनता है तो नेक्स्ट कैंडल हमारी डाउनवर्ड जाएगी। ओके बहुत ज़्यादा क्लोज पॉइंट पर है एंड ये है हमारा ग्रेवस्टोन दोजी बना चुका। तो गाइज ये ग्रेवस्टोन दोजी और ड्रैगन फ्लाई दोजी किस तरह से वर्क करते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम इनको मार्केट चार्ट्स पर अप्लाई करके कैसे अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ये क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, उनके इनका लुक्स इनका साइज़ कैसा होता है, कहां कहां पर ये अप्लाई हो सकते हैं, कैसे शुरू होते हैं, कैसे कैंडल्स ये एंड करते हैं, सारी चीज़ों को हमने कवर किया था। एंड गाइज होप्स आप सभी को वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये ग्रेवस्टोन दोजी और ड्रैगन फ्लाई दोजी क्या होते हैं अच्छे से समझ में आया होगा होप्स आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, अदर लोगों को। एंड गाइज मोस्ट ऑफ थिंग अपना एक वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपका एक वैल्यूएबल कमेंट हमें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और अच्छा वर्क करने के लिए। एंड गाइज इसका पार्ट 2 ग्रेवस्टोन दोजी ड्रैगन फ्लाई आप सभी ने देखा एंड पार्ट 3 नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न की सीरीज पर निकलने वाला है तो उस वीडियो को भी मिस मत कीजिएगा। पार्ट 1 के प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कैंडलस्टिक्स पैटर्न की शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो सकती हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। मैंने सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न एक प्रॉपर वे में बताए हुए हैं,
आप सभी को नोट करवाए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप लिंक पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं ओके, एंड उनको अप्लाई करके आप अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं पार्ट 3 में नेक्स्ट कैंडल सिक्स पैटर्न की शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।